गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्लास एक उसके अंदर महाभारत चल रही है। महाभारत में सिक्स चैप्टर है। सिक्स चैप्टर में देखिए कुंती जो पार्ट है उसके सारांश के बारे में पढ़ते हैं कि यादव वंश के जो राजा थे सूर्यसेन, जो श्री कृष्ण भगवान के परदादा थे, पितामह थे, उन सूर्यसेन ने मतलब एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री ने जन्म लिया तो उनका नाम कपिल था। वो गुणों से युक्त थी, गुणवान थी। अब क्या है कि गुणों से युक्त थी, गुणवान थी, उनके जो सूर्यसेन के फूफे जो भाई थे वो थे कुंती घोष। अब कुंती घोष थे, उनकी कोई संतान नहीं थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। और कुंती घोष को सूर्यसेन ने जो ये प्रथा नाम की जो लड़की है वो इनको गोद दे दी कि आप इसका पालन पोषण करो इसका आराम से। तो इन्होंने क्या किया कि सूर्यसेन ने इसको गोद में गोद दे दिया और ये आगे चल करके कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब क्या है कि कुंती ने बचपन से ही दुर्वासा ऋषि की सेवा शुश्रूषा की थी, उनकी बहुत ही सेवा की थी। तो वो बड़ी कुंती एक वर्ष तक बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही ध्यान से, सहनशीलता से, सावधानी से उनकी सेवा करती रही। तो सेवा करने के कारण कुंती बोझ को या कुंती को मतलब आशीर्वाद मिला कि वरदान मिला कि आप जिस भी देवता की आराधना करोगे, जिस देवता को आप मन में धारण करोगे तो आपको उस देवता के माध्यम से जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। तो उन्होंने कहे कि सूर्य भगवान से पुत्र रत्न की प्राप्ति मांगी। तो उन्होंने कवच कुंडल सहित मतलब कवच कुंडल सहित संतान की प्राप्ति हुई। वो संतान क्या हुई? वो संतान हुई कर्ण। वो क्या है कि धनुर्धारी था और युद्धधारी था, तो शस्त्रधारी था वो कर्ण हुआ। आगे चलकर प्रसिद्ध कर्ण के नाम से जाना गया। अब क्या हुआ कि उसने बच्चों को छोड़ देना ये उचित समझा। उसने क्या किया कि कुंती ने सोचा कि संसार में लोग क्या सोचेंगे कि इसके शादी नहीं हो, ऐसे बच्चा हो गया, कहाँ से आ गया, बातें करने लग जा रहे। तो उन्होंने क्या किया कि लोक निंदा को त्याग करके, उन्होंने लोक निंदा को त्याग करके क्या किया कि उसने एक सिंदूर में बंद करके कर्ण को और क्या कर दिया, गंगा नदी में बहा दिया। गंगा नदी में बहा दिया तो अधीरथ नाम का एक सारथी था, अधीरथ नाम का एक सारथी था जिसकी कोई संतान नहीं थी। तो उसने उस बेटी को खोल करके देखा कि उसके अंदर बहुत ही अच्छी संतान थी, बहुत ही प्रसन्न हुआ वो। अगर के सूर्य मुद्र कर्ण के नाम से एक सारथी के घर पलने लगा। अब क्या है कि कुंती बड़ी हुई तो वह एक बीमारी हो गई। कोई राजा कुंती घोष ने उसका स्वयंवर रचा। स्वयंवर रचने के लिए और देश विदेश से बड़े बड़े राजा महाराजा आए। अब देश विदेश से राजा महाराजा आए तो उन्होंने क्या किया कि हस्तिनापुर के जो राजा थे पांडु, हस्तिनापुर के जो राजा थे पांडु, उन हस्तिनापुर के राजा पांडु से उन्होंने वो भी आए। और वहां पर जब स्वयंवर हो रहा था तो कुंती ने हस्तिनापुर के राजा पांडु पर वर माला डाली और उसको अपना पति मान लिया। उन दिनों राजवंश में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार भीष्म पिता की सलाह से पांडु ने ये तो उसे तो शादी करी। अब मंदर रात की जो कन्या थी माद्री, उनसे भी विवाह करने के लिए तैयार हुआ। उन्होंने माद्री से विवाह कर लिया। अब क्या हुआ, एक दिन महाराज पांडु भूमि शिकार खेलने गए। वही जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि बंदी, जंगल में पांडु वन में शिकार करने गए थे, जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार दिया तो उनको यह पता नहीं था कि ऋषि दंपति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया कि ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ और साथ ही वह अपनी भूल से बहुत ही खिन्न होकर के नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंप करके अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लाशा तो है लेकिन ऋषि के साथ वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती। उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदान को पांडु से जिक्र किया। उसने अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से पांच पांडवों को जन्म दिया। देवताओं की प्रार्थना करने पर, उनकी सेवा करने पर पांच पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ। वो तपस्वियों के संग पल
सारा मन आनंद में डूबा हुआ सब प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति के भगवान मैं सुषमा को निहार रहे थे, ऋषि के साप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा और पति की मृत्यु का वह कारण बने, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह मर भी गई। इस दुर्घटना से कुंती, दुर्घटना से कुंती और पांच पांडवों के शोक का ही शोक की सीमा न रहे, उन पर मन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझा करके उनको शांत किया और उनको उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर के पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। युधिष्ठिर की उम्र कितने वर्ष की थी? 16 वर्ष की थी। और हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडव की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा न रही और पोते की मृत्यु पर शोक करते हुए सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं के पोते की मृत्यु पर शोक करते हुए क्या हुई? सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और मालिका के साथ लेकर वन में चली और तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। स्वर्ग सिधार के अपने कुल में जो छल प्रपंच या न्याय होने वाले थे उन्हें देश न संबंधों में उचित समझा। तो इस प्रकार से बेटा ये पाठ कंप्लीट हुआ, इसको याद कर लेना, बढ़िया ढंग से पढ़ देना, कोई दिक्कत हो तो पूछना, ठीक है? धन्यवाद।